प्रीतो थैंक यू, तुमने नीचे जो सरप्राइज दिया सबके सामने, आई लाइक दैट, थैंक यू। तुम खुश हो? क्या कुछ कहना चाहती हो? भाभी 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 आई लव यू, व्हाट अ सरप्राइज। भाई आपने देखा क्या सरप्राइज दिया है भाई भाभी ने, आई मीन इट वाज सो ब्यूटीफुल। भाभी आप जानते हो जितने भी लोग हैं ना सब आपकी तारीफें कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरे फंक्शंस में जो लोग नहीं आ पाए थे ना उन्होंने फोटोग्राफ्स में सारे फंक्शन देख लिए। भाभी इट वाज ब्यूटीफुल, आई मस्ट से लवली, यू आर द बेस्ट। यही मैं ऐसे कह रहा था, शी इज द बेस्ट। सब इतने खुश हैं इस माहौल में, तो कुछ कहना भी हो तो कुछ कह नहीं सकती। सॉरी गर्ल्स, आई हैव टू टेक दिस कॉल। आज तक मेरी बेटी के हर फंक्शन में तुमने ड्रामा किया, लेकिन आज मेरी बेटी के लिए जो तुमने किया वो देख के मुझे अच्छा लगा। थैंक गॉड एटलीस्ट अब तो अक्षय पे बिलीव करती हो, अब उस पे शक नहीं करोगी, राइट? मम्मा छोड़िए ना उस सब बातों को, अब देखिए ना भाभी ने कितना प्यारा सरप्राइज दिया था, सब लोग कितने खुश थे नीचे। आई नो दैट, लेकिन आज तुमने जो किया है इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुमसे ले ली थी वो दोबारा तुम्हें दे दूंगी। कृतिका की शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माहिरा और शर्लिन के पास ही रही। अच्छा बेटा मुझे तुम्हें कल के लिए एक नेकलेस दिखानी है, चलो मेरे साथ। जी ठीक है। आई लव यू। आई स्टिल डोंट बिलीव वो फोटोग्राफ्स वो रुचिका के घर से लिए थे, रुचिका और अक्षय के साथ के पिक्चर्स, वो सब बदल कैसे गए? अचानक सब कुछ चेंज कैसे हो गया? आखिर कैसे? क्या बात है अक्षय? मॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। शादी की तैयारियां चल रही हैं और तू कहाँ जा रहा है अभी? मॉम एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है, और शादी हो गई तो क्या हुआ, काम तो करने पड़ेंगे ना। आप लोग घर जाओ, मैं मिलता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी आ जाना। पर हाँ चलिए। अच्छा साहब आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले दिखते थे। पर पैसे पहले से बहुत ज्यादा हैं। थैंक यू साहब, मेरे को याद रखना, मैं अपना प्रॉमिस कभी भूलता नहीं। जानता हूँ साहब, चलता हूँ। हाय। Hello, what's up? बिजली का बिल, ये वर्करों का प्रॉपर्टी टैक्स। माँ वो अच्छा वो जानकी आंटी, आपको तो चोट लग गई थी ना, आप गिर गए थे ना, लेकिन एक मिनट, आप तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। हाँ क्योंकि मैं भली चंगी ही हूँ। अरे लेकिन मुझे मम्मा ने फोन करके बताया कि आप गिर गए हो, इसलिए तो मैं दौड़ी दौड़ी चले आई। मम्मा मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मम्मा ने कहीं दादू की कफ सिरप तो नहीं चढ़ा ली? मत चढ़ी,
झूठी बोलती है। और देखो ना उन्होंने कैसे स्माइल किए जा रही है मुझसे। दरवाजा भी खोला तो कितने प्यार से वेलकम किया। ये मम्मा को हो क्या क्या है? ठीक तो है ना वो? हाँ पुत्र बिल्कुल ठीक है। चल अब तू अंदर जाके आराम कर ले। माँ आप मुझसे इतना प्यार से बातें कर रही हैं। अरे क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ सच्ची। ओले मेला बच्चा अंदर जाके आराम कर ले मेरा बच्चा। चाचा थक गई होगी ना? थैंक यू माँ, आई लव यू। आई लव यू टू। जा 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 जा। देखना अब उसको कितनी जोर का झटका लगेगा। जोर का झटका तो उसे लगना ही चाहिए। अरे यार आज माँ को अचानक से हो क्या गया? इतने प्यार से बात किया, स्माइल देखे, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मैं बिना बोले घर के बाहर गई, ऊपर से मैं इतनी लेट आई हूँ घर पे। अनमोल भगवान जी आई लव यू। तो एक काम कर, उल्टी गिनती शुरू कर दे। 3, 2, 1। मामा, आपने मेरी बेडरूम की जो विंडो है उस पे वुडन ब्लाइंड्स लगा के उसको लॉक क्यों किया है? किया, मेरी मर्जी, मेरा घर। मैंने तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, तो तूने ये दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया। अगर तू ये दरवाजा इस्तेमाल करती तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देती, लेकिन तू अपने कमरे की खिड़की से कूद कर भाग कर गई। हमेशा यही करती है। इसीलिए मैंने खिड़की ही बंद करवा दी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बस मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाके थोड़ा सा आराम करूंगी। और एक बात याद रखना सृष्टि, तू अगर कभी भी ऐसी गलतियां करेगी ना तो मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे रोकूंगी और कोई ना कोई तरीका अपनाऊंगी ताकि तू वो गलतियां कभी भी दोबारा ना कर सके। तो तुझे कितना प्यार करती हूँ मेरा बच्चा। आजा याद रखना। माँ लेकिन गलत कदम, मैं तो दीदी हेल्प करने गई थी। आपने से मिले हो ना, मिले हो ना, मेरी बैंड बजा दो तुम लोग। मेरे विंडो लॉक कर दे यार। ठीक है, आई नो यार, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो एक काम करो, जस्ट बुक द फ्लाइट टिकट्स फॉर मी। ठीक है, ओके बाय। क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रहे हो? टेंशन तो है यार। क्या बात है मुझे बताओ, शायद मैं हेल्प कर सकूं। एक्चुअली क्या ना, तुम ही हेल्प कर सकती हो मेरी। पीटर यू नो आप, आई मीन कृतिका इज सो इम्पोर्टेंट टू मी, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट ऋषभ भी है मेरे लिए। और ऋषभ यहाँ है नहीं, तो उसकी जगह मुझे एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है। नाउ द प्रॉब्लम इज कृतिका की जो चूड़े की रस्म है उसकी डेट के साथ वो मीटिंग क्लैश कर रही है। लेकिन मैं ये मीटिंग नहीं छोड़ सकता, आई हैव टू, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। सो प्लीज तुम मेरी जगह सारी जिम्मेदारियां संभाल लो ना, फंक्शंस की, चूड़े की रस्म है, शादी है। लेकिन मैं तो अक्षय और कृतिका की शादी होने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि अक्षय सही इंसान ही नहीं है और तुम मेरे ही हाथों उनका रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो, कैसी दुविधा है। प्रीता यू नो प्रॉब्लम इज कि मैं चूड़े की रस्म पे आऊँ, शादी तक वापस आ जाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूड़े की रस्म की जितनी जिम्मेदारी है तुम संभालो। कुछ भी ऐसा मत होने देना जिससे लड़के वाले अपसेट हो जाए, प्लीज़। देखो मैं जानता हूँ कि बुआ तुमसे थोड़ी अपसेट थी, लेकिन आज जो तुमने किया इतना अच्छा सरप्राइज, आज तो खुश हो गई होंगी तुमसे। तो मैं बुआ से बात करूँगा कि शादी की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें दे दें वापस। भरोसा कर सकता हूँ ना तुम पे, प्रीता यू नो कि कृतिका से कितना प्यार करता हूँ मैं। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी में किसी भी तरीके की कोई भी कमी रहे, एंड आई कैन ट्रस्ट यू राइट। मैं बस मीटिंग अटेंड करूँगा, वापस आ जाऊँगा, प्लीज जस्ट हैंडल दिस फॉर मी। बट यू नो
होता भाई बहन का प्यार। I know, मुझे तो हमेशा से ही पता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही इमोशनल इंसान छिपा है। तुम्हें पता है? लेकिन अच्छा मुझे ती करण लूथरा ही लगता है। ओह, ये वाला? बिल्कुल। थैंक यू। मिशाल ले लेता हूँ। फ्लाइट की लेट हो जाऊँगा ना। यस बेब। अक्षय, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ और तुम हो के उठा ही नहीं रहे, तो मुझे बस थोड़ी टेंशन हो गई। काम डाउन रुचिका, और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो अनसेफ, चिंता की कोई बात नहीं। माय डे वाज रियली ऑसम। मैं जब भी तुमसे दूर होता हूँ तो जिस तरीके से तुम मुझे मिस करती हो ना, आई रियली लव, सच में। पता नहीं कब तुम मेरी परछाई बन गई, मुझे मालूम भी नहीं चला। जब तुम मुझसे दूर होती हो ना तो आई ऑल्सो मिस यू। मैं कहाँ जाऊंगी अक्षय, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जानता हूँ तुम इतनी आसानी से थोड़ी ना मेरा पीछा छोड़ने वाले। अच्छा रुचिका, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आई कॉल यू लेटर। बाय, आई टॉक टू यू सून। ओके, टेक केयर। Thank you so much for coming in my life. पर अब मुझे जाना होगा। मेरी कपड़े कृतिका, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लड़का अक्षय अच्छा नहीं है, विश्वास करने के लायक नहीं है, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अक्षय का फोन? हेलो। हेलो प्रीता। मुझे क्यों फोन किया तुमने? पिता, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो अभी? तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर की बैक साइड में मिले? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि मुझसे मिलके आज तुम्हें एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी। I'll see you in 20 minutes. इंतजार करना मेरा। नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना। बाय। हेलो, हेलो, अच्छा लिसन, will you please drop me? Okay, I'll drop you. ऐसा मैं जरूर कहता, लेकिन क्या है कि मॉम का कॉल आया था। एक्चुअली मैं सुबह से घर नहीं था ना, तो मॉम वॉज अ लिटिल वरीड, थोड़ा सा अर्जेंट काम है तो मुझे घर जाना है। ओके, बाय, सी यू सून। सी यू। बाय। बाय। I'll see you. हाया। अगर तुम सृष्टि होती तो मैं छोड़ भी देता, पर सृष्टि का इतना बैड लक, मुझ जैसे हैंडसम लड़के में उसे 1% भी इंटरेस्ट नहीं। अगर होता तो मैं उसे 100% सुकून देता। आई होप सृष्टि ठीक हो यार। आसामी बोलो।
सृष्टि सब कुछ ठीक है ना? क्या तुमने कभी जेलर माँ देखी है जिंदगी में अपने? सृष्टि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे ऐसे ही बोलूंगी यार, नहीं एक्चुअली यू नो व्हाट, तुमने सही में देखी है जेलर माँ, मेरी माँ सरला अरोड़ा। पता है मेरी मम्मा ने क्या किया? मेरी घर में मेरी बेडरूम में बाहर से कारपेंटर को बुला के बेडरूम के विंडो को लॉक कर दिया है, वो भी ये छोटे छोटे वुडन प्लैंक के साथ। मैं यार तुम्हें पता है वो बचपन में हमें कहानियां सुनाते थे कि एक राजकुमारी होती है और उसकी माँ उसे महल में कैद करके रखती है, और दूर से एक शहजादा आता है घोड़े सफेद पे सवार, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। प्रिंसेस अब क्या हुआ यार? यू नो व्हाट, मेरा पेन मेरा दर्द कोई नहीं समझता यार। अब कैसे कूद के जाऊंगी इस विंडो के बाहर? हाँ सब तो बंद है, अब कैसे? इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं, ये वही विंडो है जहाँ से तुम अंदर आए थे मुझसे मिलने, तो तुम्हारा भी मिलना भी बंद। मुझे समझ में नहीं आता ये मम्मा की प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ ऐसे क्यों करती है मैम? यू नो व्हाट, तुमने कहा था कि मम्मा गुस्सा नहीं होंगी, और एक्चुअली मम्मा गुस्सा नहीं थी, आई मीन थी। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, मम्मा जब गुस्सा होती है ना तो वो डांटती हैं, चिल्लाती हैं, फटकारती हैं, बहुत बातें सुनाती है, लेकिन ये सब करने के बाद ना उनका गुस्सा फुर्र हो जाता है। लेकिन आज मम्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज मम्मा ने मुझसे एकदम अच्छे से बात की, स्माइल करके। मतलब तुम समझ में आ रहा है, वो वाला गुस्सा अलग होता है लेकिन ये वाला गुस्सा अलग है। ये वाला गुस्सा ना एकदम वो वोल्केनो की तरह अंदर पनप रहा है, पता नहीं किस दिन जोर से आके फूटेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर में क्या करूँ यार, विंडो लॉक करवा दी, मैं अभी बाहर कैसे जाऊंगी, दी की हेल्प कैसे करूंगी, तुमसे कैसे मिलूंगी मैम? सृष्टि मेरी बात सुनो। क्या? मेरे पास टूल्स हैं, मैं तुम्हें लाके दे दूंगा ताकि तुम विंडो खोल के बाहर जा सको और जब तुम अंदर आओ तो लॉक लगा सको, ठीक है? Really? I can do that? क्या बात कर रहे हो? लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी ना उसे खोलना, और कोई बात नहीं, जितनी भी मेहनत लगेगी मैं वो करूंगी। मुझे देना, मैं करूंगी। हाँ सृष्टि मेरे पास है, मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम टेंशन मत लो, प्लीज टेंशन मत लो, ओके? समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सृष्टि हेलो, ये बैटरी भी खुला टाइम पे चली जाती है। जब से प्रीता दी गई है ना यहाँ से, तब से मम्मा कुछ अजीब ही हो गई है, पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है मम्मा, एकदम स्ट्रिक्ट हो गई है, क्या कहते हैं, आतंक मचा रखा है, मतलब फुल ऑन पहरा दे के रखती है मेरी जिंदगी में। पता नहीं ऐसा क्या हो गया दी के जाने के बाद कि वो प्यार भी उतना ही करती है, लेकिन ये समझती क्यों नहीं कि मैं सबसे छोटी हूँ इस घर में, एक दो गलतियां तो मैं करूंगी, मगर गलती कर भी दी तो माफ कर दिया करो ना, सॉरी। अच्छा सॉरी बोलती हूँ तो सॉरी भी नहीं चलता, क्योंकि मम्मा के डिक्शनरी में सॉरी नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, तुम समझो ना मैं क्या। हेलो सामी तुम सुन, फोन काट दिया कि कट गया, किसको फोन करती हूँ? चार्जर तो मैंने गाड़ी में छोड़ दिया, फोन स्विच ऑफ है, इसने मेरा फोन, क्या किस्मत है, इस घर में मम्मा मेरी बात नहीं सुनती और सैमी इस फोन पे मेरी बात नहीं सुन रहा है। मुझे दी से अक्षय के बारे में बात करनी थी, अरे बहुत रात हो चुकी है, मैं अभी फोन करूँ या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं बाहर आ गया हूँ, जल्दी से तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। क्यों आए हो? कहा था ना तुम्हें तुमसे बात नहीं करनी है, तो क्यों आए हो यहाँ? एक्चुअली क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मैं सोच रहा था कि आजकल कृतिका से ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। एक ऋतु, अक्षय जी फाइनली आ गए आप, पर बाहर क्यों खड़े, अंदर चलिए ना। भाभी एक्चुअली आपको पता है अक्षय जी यहाँ पे क्यों आए हैं? बड़ा क्यूट रीजन है, आपको पता है मामा जी को मेरे हाथ का मैंगो शेक कितना पसंद है? वैसे अक्षय जी को ना मेरे हाथ का मैंगो शेक बहुत पसंद है, स्पेशली पीने के लिए आए हैं। हाँ बहुत बढ़िया, हमारे सारे सीक्रेट्स बता दो तुम प्रीता जी को। अक्षय जी कोई सीक्रेट्स नहीं है हमारे, कुछ मत बोलिए आप। भाभी इनकी बातों में मत आना, मैंने कहा कि अंदर आ जाइए, मान नहीं रहे मेरी बात, आप बोलिए ना अंदर आने के लिए इन्हें प्लीज।
अरे नहीं यार, मुझे अंदर नहीं आना। और शेक पीने का मजा जो बाहर है ना, वो अंदर थोड़ी ना है। प्लीज यहाँ ले आओगी मेरे लिए? अब 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अमेजिंग सा शेक बना के लाती हूँ। ओके ओके। अरे पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? आई मीन अगर मैं ऐसे यहाँ बाहर अकेला खड़ा रहूंगा तो किसी को लगेगा चोर आया चोरी करने। सो एटलीस्ट आप तो रुक जाओ कंपनी देने के लिए। ओ एक्चुअली भाभी सही बोल रहे हैं अक्षय जी, 2 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आई बस। ठीक है, अभी आती हूँ। तुम इतने शातिर हो और बाहर से इतने इनोसेंट बनने की कोशिश करते हो। How disgusting are you? तुम भी तो कितनी स्वीट इनोसेंट सी हो, तुम कैसे दिन रात मेरा पीछा कर लेती हो? आई मीन अब देखो ना, तुम यहाँ मेरे सामने मेरे मुंह पे मुझे कह रही हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं, गलत हूँ, और वही बात पूरी फैमिली के सामने प्रूव करने में लगी रहती हो। पर क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? मुंह की खानी पड़ी ना हर बार।